होगा, ऐसा नहीं है कि वो इंश्योरेंस कंपनी छोड़ के दूसरी ज्वाइन करेगा तो वहां चल जाएगा, उसका वहां भी विनाश होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही? लाउडली यस नो। जिस आदमी जो हमेशा संशय में रहता है उसको सफलता किधर नहीं मिलती। दूसरा गुरु मंत्र, वैल्यू प्रीपोजिशन। जब तक सामने वाले के लिए वैल्यू का गणित नहीं लगाओगे, यानी मैं बोल रहा हूं वैल्यू क्रिएट करना, ये थोड़ा अलग सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट है। वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू में आपको पैसे के टर्म्स में उसको फायदा दिखाने का है। कैसे करते हैं? इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच। कि भाई साहब अभी अगर ये नहीं लिया तो ना लेने के कारण जो फायदा हो सकता था वो इतने रुपए का था जो अब आपके नुकसान में परिवर्तित हो गया एक्शन ना लेने के कारण। कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग द प्रोडक्ट इज मच हायर देन कॉस्ट ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट। लिख लेना भैया, कॉस्ट ऑफ नॉट बाइंग द प्रोडक्ट इज मच हायर देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। आपने आज नहीं खरीदा, खरीद लेते तो 100 रुपए लगता, नहीं खरीदोगे तो फ्यूचर में आपको 1000 रुपए लग जाएगा। नहीं खरीदने पे जो नुकसान है वो 1000 रुपए का है, खरीदने पे जो पैसा लगेगा वो खाली 100 लगेगा, जब उसका गणित निकाल के दिखा सके। इसको ये नहीं है कि आप कैसे बेचते हो, क्या बेचते हो, ये है कि आपको बेचने का तरीका क्या है, उसको क्वांटिफाई करो पैसे को, आपके प्रोडक्ट से कितने रुपए का फायदा है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे आपके प्रोडक्ट के कारण सामने वाले के नए कस्टमर कितने बढ़े, आपके प्रोडक्ट के कारण उसके बिजनेस में कितना फायदा हुआ, स्केल हुआ, आपके प्रोडक्ट के कारण उसका मार्केट शेयर कितना बढ़ गया, आपके प्रोडक्ट के कारण उसके कितने कस्टमर रुके रहे, आपके प्रोडक्ट के कारण उसकी कितनी सामने वाले की ब्रांडिंग बढ़ी, आपके प्रोडक्ट के कारण सामने वाले का कितना मुनाफा बढ़ा, आपके प्रोडक्ट के कारण सामने वाले की जिंदगी में कितना नुकसान घटा। रुपए का हिसाब निकाल के समझाओ तो उसे समझ में आएगा, मेरा प्रोडक्ट 500 का था, सामने वाले को फायदा 5000 का, गणित निकालो। आपके प्रोडक्ट के कारण सामने